सभी को नमस्कार। तो ब्रेक के पहले जो कुछ भी हमारे बीच में चर्चा हुआ, काफ़ी क्लैरिटी भी बनी और आप सबका पार्टिसिपेशन तो बढ़िया ही है, जितनी हमारी अपेक्षा है। हमारे पुराने मित्र भी बोल रहे थे कि इस शिविर में लोगों का पार्टिसिपेशन और जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो काफ़ी सुखद है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सभी तैयार हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो कल से हमने जितनी बात की है उसको निष्कर्ष की ओर ले चलें। तो बेसिकली जितनी बात अभी तक हमने की उसमें जो आधार है, मैं फिर से कनेक्ट कर दूं एक बार। कनेक्शन याद है? कौन बोलेगा? शुरू से अभी तक का कनेक्शन कौन बोलेगा? हाँ जी, एक हाथ उठाए बस, दो। और कितने लोगों को लगता है कि मैं कनेक्शन बोल सकता? तीन, चार, पांच। आप माइक। हाँ जी, कनेक्शन बनाए रखें, क्योंकि कनेक्शन बैठा रहेगा तो समझ बनेगी, है ना? नहीं तो सुनने में अच्छा लगता है फिर बाद में खो जाता है। कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुँचे हैं? हमने शुरू किया था जिंदा रहना और जीना में क्या अंतर है और हम कहाँ पर है। हमने वो अंतर से चालू किया था और हम कहाँ पर है, पहले दिन वहाँ से शुरू किया था। और फिर हम आए थे कि मूल प्रश्न तो जिंदा रहने में दो ही है कि क्यों जीना है और कैसे जीना है। और क्यों जीना में अगर हम देखें तो हमें हर कोई सुख की प्राप्ति के लिए या सुख के लिए ही जीता है, और सुख हमें स्वीकृति से मिलता है। और हमें निरंतर सुख चाहिए तो निरंतर स्वीकृति, और निरंतर स्वीकृति से व्यवस्था के लिए ही दिखाई देती है। तो व्यवस्था क्या है ये हमने समझा, वो हमने प्रकृति में देखा कि व्यवस्था चार अवस्था में होनी चाहिए, तीन अवस्था में है लेकिन अभी मनुष्य में पूरी तरह से व्यवस्था नहीं है। फिर हमने देखा कि व्यवस्था क्या है एक्चुअली, और मनुष्य की व्यवस्था व्यवस्था क्यों नहीं है। फिर वो जो मनुष्य का व्यवस्था नहीं है तो वो क्या था, तो वो हमें दिखाई दिया कि वो एक शासन है, और शासन में व्यवस्था कभी नहीं हो सकती क्योंकि व्यवस्था आपका पहले से है। यूट्यूब पर चार दिन देखे। ठीक बात नहीं, पर आपकी क्लैरिटी अच्छी है, गुड। हाँ बोलो बोलो। तो हाँ जी, इनके बाद और कौन कौन बोलेंगे, मेरे को दो तीन लोग अभी और जरूरत है ना। तो शुरू से लेके अभी तक हमारी क्या क्लैरिटी बन रही है, कितना प्रिसाइजली पिन पॉइंटेडली हम उस धारा को देख पा रहे हैं कि हम कैसे चल रहे हैं? फिर हमने देखा था कि हमारा मनुष्य मनुष्य की तो जो व्यवस्थाएं है वो शासन है। और फिर हमने मानव को समझने की कोशिश की तो मानव की आवश्यकताएं देखी, तो हमने सारी आवश्यकता मिलाकर इतना निष्कर्ष निकाला कि दो आवश्यकता है, या तो भौतिक है या फिर अभावपूर्ण है, जो जीने में काम आती है या जिंदा रहने में काम आती है। और वो दोनों आवश्यकता के बाद कनेक्शन टूट गया, कोई बात नहीं। और कोई? हाँ। दो आवश्यकताएं हैं। फिर हमने नेचर में देखा कि आवश्यकता से देखा कि जो हमारी भौतिक आवश्यकता है क्या हम उसको खरीद सकते हैं, तो वो पॉइंट पर हम आगे बढ़े कि हम कोई भी चीज़ खरीद नहीं रहे, हमें प्रकृति से बस मिल रही है, तो हमारा उसके प्रति कैसा भाव होना चाहिए। बढ़िया बढ़िया, गुड। हाँ जी हेलो, कहाँ? यहाँ यहाँ। हाँ हाँ बोलो बोलो। जैसे उन्होंने कहा, हमने शुरुआत पहले दिन से की कि जिंदा है, जिंदा जिंदगी क्या है और जीना क्या है, तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, जिंदा है कि जी रहे हैं? तो ये पता चला कि मैं जिंदा रह रहा हूँ और मुझे जीना है। फिर जीने के लिए क्या जरूरी है, तो जो हम मुझे लग रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे
अनलिमिटेड, लेकिन निकल के आया कि सिर्फ दो मूल प्रश्न है कि क्यों जीना है और कैसे जीना है। फिर हम एक प्रश्न को लेकर चले कि क्यों जीना है, तो क्यों जीने में आया कि एज अ मानव मुझे किस चीज की तलाश है, तो वो है सुख। और सुख किस में आता है, तो स्वीकृति में। तो अब ये स्वीकृति हमको किस प्रति हो, तो स्वीकृति को हम अपने आजू बाजू देखिए तो हमको लगा कि एक व्यवस्था है जो नेचर की, जिसमें हमको ये स्वीकृति हमें निरंतर मिलती है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। फिर वहां से शुरू किया तो निसर्ग में प्रकृति में जो व्यवस्था है उसमें चार चीजें हैं, जैसे पदार्थ, जीव, पशु पक्षी और मानव, ज्ञान अवस्था। तो बाकी सब तीनों तो अपनी तरीके से बराबर कर रही है, पूरक है, एक दूसरे को सहयोग दे रही है और अपना जो काम है वो ठीक से कर रही है। तो गड़बड़ केवल मानव में है कि सब में सबसे उच्च श्रेणी का मानव होकर भी, सारी प्रगति करके भी वो आज जितना चाहे उतना खुश है नहीं। तो ये प्रॉब्लम आया तो एक खुश क्यों नहीं है। तो हमारा जो आवश्यकता है उसे हमने देखा कि जैसे लाभोन्मोदी, कामोन्मोदी और भोगोन्मती, ये हमारी आवश्यकता है, जो हमको एक गलत तरीके से हमने आज तक उनको भोगा है केवल, ना कि जाना और पहचाना है। फिर हम दो मूल आवश्यकता पे आ गए कि सारी आवश्यकता को जब हमने लिस्ट डाउन किया तो उसमें दो ही कैटेगरी आती है कि एक तो एक भौतिक जरूरतें है और एक भावपूर्ण जरूरतें है। तो बेसिकली हमने देखा कि भौतिक जरूरतें हमको सब नेचर से आती है, हम उसके लिए, हमको ऐसे लग रहा था कि हम वो खरीदते हैं, लेकिन कल ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन मुझे हुआ है कि मैं जो भी ले रहा था इस धरती से वो सब एक परोपकारता की भावना से मुझे मिल रहा था, उसमें धरती की कोई अपेक्षा नहीं थी। और मुझे हमेशा ये भाव, कृतज्ञता का भाव सदा जगाए रखना है ताकि मैं उसका पूरा लाभ ले सकूं और जो भी बन सके मुझसे वो पूरा वापस उस व्यवस्था में देने के लिए, वो मैं अपने देने के लिए अपने को ऐसा तैयार कर सकूं। और उसके बाद हम आज यहाँ पे है कि उस भौतिक भाव में जीने के लिए, उस भाव में जीने के लिए हमें कैसा रहना चाहिए, उसके आगे यात्रा चल रही है। आपका भी पहला शिविर है? यस। और यूट्यूब वगैरह? यूट्यूब में एक बार पूरा शिविर देखा हो। बहुत बढ़िया। देखिए उन लोग के रिजल्ट्स अच्छे हैं जो YouTube में पहले से कुछ देख ले रहे हैं, तो उसके बाद शिविर करना काफ़ी मतलब रिजल्ट बढ़ जा रहा है ऐसा देखने से लग रहा है। चलिए खूब बढ़िया, खूब धन्यवाद आपको। तो दो मानव है, मानव की दो प्रकार की आवश्यकता है, भौतिक है और भाव है। भौतिक आवश्यकता शरीर के लिए है, शरीर के जिंदा रहने के लिए है। तमाम भौतिक आवश्यकताओं का पर्पस इतना ही है कि शरीर को जिंदा रखने के लिए है, शरीर को गति प्रदान करने के लिए है। और भाव की आवश्यकता, भावपूर्वक मानव जीता है। तो वस्तुओं के साथ में जिंदा रहना होता है, भौतिक वस्तुओं के साथ में जिंदा रहना होता है, भावपूर्वक जीना होता है। ये क्लैरिटी बन गई है ना? सारी धरती की सारी संपत्ति भी आपके नाम कर दिया जाए तो भी वस्तुओं के साथ जिंदा रहना ही होता है, उसकी हैसियत ही उतनी है। और भावपूर्वक ही जीना होता है, और वस्तु होने से भाव आ जाएगा ऐसा होता नहीं। भाव कैसे आता है? भाव कैसे आता है? भाव कैसे आता है? समझने से, ज्ञान से, है ना? तो समझने से भाव है। तो ये क्लैरिटी हमारी बनी। जिंदा रहने की यदि बात करते हैं तो हमने बहुत साफ कहा कि जैसे लगभग रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी एटसेट्रा। जब जीने की बात करते हैं तो क्या लेते हैं? स्वयं के प्रति विश्वास, सम्मान, भय मुक्ति, अभाव से मुक्ति, और जितना भी अंतर्विरोध है किसी भी बात को लेके जो अपने भीतर बैगेज है, विरोध है, उस अंतर्विरोध से मुक्ति। ये जीने का भाग है।
जिंदा रहने के धरातल पर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक नाम दे दें, सामान। इसको एक नाम दे दें, सम्मान। जिंदा रहने के धरातल पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं, जिंदा रहने के धरातल पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हमारी जीवन शैली कैसी है, स्टेटस किसको बोल रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कोशिश कर रहे हैं, जैसे सुबह से शाम तक एक कोशिश हमारी है, यदि इन जनरल गांव से लेके शहर से लेके अमेरिका तक सबका सर्वे किया जाए तो सुबह से लेकर शाम तक लोग क्या चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, सामान वस्तु पाने के लिए या भावपूर्ण होने के लिए। वस्तु पाने के लिए, वस्तु पाने के लिए। आओ, तो भाव की हमारी जरूरत है कि नहीं है, है। तो हम भाव के लिए क्या कर रहे हैं, क्या सोच के चल रहे हैं, सामान से मिलेगा तो सामान मिल जाएगा तो सम्मान मिल जाएगा, ये एक कनेक्शन है। कितने प्रतिशत लोग, कितने प्रतिशत लोग, कितने प्रतिशत लोग अपने आसपास के वातावरण में हमको सामान से सम्मान की तलाश में, जीवन शैली में देखें तो सामान से सम्मान की तलाश में दिखाई देते, जोर से बोलो। ठीक, अपना अपना सर्वे कर लीजिए, आपका जैसा भी हो कम और ज्यादा, अपने परिवारों में भी देखें, किसी परिवार में कोई एक व्यक्ति अलग धारा से कुछ अलग सोचने वाला हो सकता है, लेकिन जब पूरे परिवार को मिला के देखेंगे, मोहल्ले को मिला के देखेंगे, है ना, तो कम ज्यादा सामान से सम्मान से हम कितने अछूते हैं इस बात को हम देख सकते हैं। दूसरी भाषा में एक और झंझट है, अभी करेला तो हो ही गया, ऊपर से नेम चढ़ा भी है। कैसे, सम्मान की आवश्यकता हमारी कितनी है, सीमित या असीमित? असीमित, असीम। और वो सम्मान किससे मिलेगा, और वो सम्मान किससे मिलेगा, सामान से। तो सामान कितना हो कि असीमित सम्मान मिल जाए, असीमित, असीम। और इस धरती पे टोटल मिला के कितना है, वो सीमित है कि असीमित है, सीमित। मंगल का मिलाएंगे तो भी सीमित। और एक आदमी कितना चाहता है, असीमित। क्या होगा, देखिए, इसलिए सारे बिजनेस का एक ही सूत्र है, मोनोपोली। हर बिजनेस में एक ही कोशिश है, मोनोपोली। रॉ मटेरियल से लेके और एंड प्रोडक्ट तक मेरी मोनोपोली हो जाए, ये मोनोपोली संसार में जितनी कंपनियां इस काम में लगी हैं सबको मैं ही खरीद लूं, पूरे वर्ल्ड में किसी एक प्रोडक्ट के लिए मैं ही सब कुछ हूं, तो धीरे धीरे कंपनियों के साइज देशों से बड़े हो गए। इस सबके पीछे मूल भाव क्या है, इस सबके पीछे मूल भाव क्या है, इस सबके पीछे मूल भाव क्या है, शोषण, सामान से सम्मान। कहीं ना कहीं सामान से सम्मान। वर्ल्ड के टॉप 10 अमीर लोग की लिस्ट आती है, वो विश्व सुंदरी और तमाम लोगों की लिस्ट आती है, उपयोगी लोगों की लिस्ट आती है। इंजीनियरिंग कॉलेज के शिविरों के दौरान एक बार ये चर्चा चली शिविर में कि उस वर्ल्ड के टॉप 10 रईस, फिर वो शहर के भी टॉप 10 रईसों की चर्चा होने ही लगती है, फिर मोहल्ले की भी हो ही जाती है, और हम सब उन्हीं चर्चाओं में शामिल हैं, उसी के आधार पे किसी को बड़ा और छोटा कह रहे हैं। तो बोले फिर इसका अल्टरनेट क्या होगा, फिर किसी ने मेहनत करके इतनी बड़ी कंपनी क्रिएट किया तो उसका कुछ तो सम्मान होना चाहिए।
तो स्टूडेंट्स की तरफ से सुझाव आया, ये सब बात तो हो ही रही है, तो किस कंपनी की कितनी उपयोगिता, उपयोगिता के कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। एक पैरामीटर हो सकता है कि कितने लोगों के लिए रोजगार क्रिएट किया, ये भी एक पैरामीटर हो सकता है। फिर वो मानव उसकी क्वालिटी के लिए क्या किया, फिर नेचर के साथ क्या किया, समाज के साथ क्या किया, कहीं ना कहीं ये मापदंड है तो सही जिसको हम CSR के नाम पे, किसी और नाम पे कहने सुनने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारी अभी जो हमारे मापदंड हैं उनको बनने में भी बहुत मेहनत लगी है या बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, और गलत नहीं है, एक आदमी अपना रोजगार भी ठीक से सेट नहीं कर पाता है, एक आदमी हजार लोगों के रोजगार के लिए सोचता है, तो उसकी कोई पोटेंशियल तो होगी, उसमें कोई क्षमता तो है, उसका सम्मान तो होने की ज़रूरत है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन अब समझ में आया कि इतना भी पर्याप्त नहीं हुआ, और आगे जाने की ज़रूरत है, तो हम और आगे जाने की सोच रहे हैं। तो धीरे से ये निकल के आया कि फाइनली यदि हम अमीरों की गिनना के देखिए, बिल्कुल हाल कैसा है, वही स्थिति अपने स्कूल कॉलेज लेवल पे है। स्कूल कॉलेज लेवल पे हमारा सम्मान कैसे होता है, मार्क्स कितने आए, तो हमारे सम्मान की दो ही जगह है, कॉलेज में रहते हुए मार्क्स कितने आए और कॉलेज के बाहर निकल के पैसा कितना कमाया, बस फ्लैट है एकदम। अब मार्क्स कैसे आए इस पर कोई चर्चा नहीं है, और पैसा कैसे आया इस पर भी कोई चर्चा नहीं है। फिर मार्क्स कैसे आते हैं हम उसमें लग गए। इसलिए ये भी ध्यान में आया, देखो कॉलेज, स्कूल कॉलेज में वो पढ़ाया जाता है जो अगले, जो पिछले कई सालों से एग्जाम में आता है, टीचर ऐसे तैयारी करवाता है, इतने सालों में क्या पूछा गया तो इस बार क्या पूछा जाएगा, उसके लिए तुमको क्या पढ़ना है। इससे ये समझ में आता है कि हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया हमारी पूरी जीवन शैली को निर्धारित करती है। इससे ये ध्यान में आया कि जिस आधार पर एक व्यक्ति को सम्मान मिलेगा उस आधार पर उसकी पूरी जीवन शैली तय हो जाएगी। यदि मार्क्स को सम्मान मिलेगा तो मार्क्स कैसे आएंगे इस पे काम करेगा, यदि उसकी समझ को सम्मान मिलेगा तो समझ कैसे आएगी इस पे काम होगा, यदि उसकी उपयोगिता का सम्मान होगा तो उपयोगिता कैसे आएगी वो उसके लिए काम करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे मापदंड सही हैं या गलत हैं। हमारे मापदंड सही हैं कि गलत हैं, हमारे मूल्यांकन के मापदंड ही गलत हैं वाला साहब, करो कुछ महाराष्ट्र में ना? हमारे मूल्यांकन के मापदंड ही गलत हैं। ये एजुकेशन सिस्टम अपने मूल्यांकन के मापदंड बदलेगा, इसमें देर लगेगी, समय लगेगा, जितना बड़ा जहाज है उसके लिए उतना, और ऑन बोर्ड रिपेयर करना पड़ता है ना, ऑन बोर्ड रिपेयरिंग है उसकी, ऐसा नहीं कि उसको आप रोक सकते। तो कोरोना की महिमा है कि सबको रोक दिया, तो कभी आप कल्पना कर सकते हो कि विश्व के सारे एयरपोर्ट रुक जाएंगे, ट्रेन रुक जाएगी, कॉलेज रुक जाएंगे, है ना, केवल जिंदा रहना बना रहेगा। उसमें भी जिनको जीने की समझ थी उनको जीने का अवसर मिल गया। तो इससे एक क्लैरिटी हमारी बनती है कि मापदंड बदलना होगा। इसलिए शिक्षा में कंटेंट क्या है ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, ये उससे महत्वपूर्ण बात है। तो जब तक मानव की समझ नहीं बनेगी तो मानव के मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं बनेगी, मानव का मूल्यांकन का आधार नहीं बनेगा। तो स्कूल कॉलेज की पूरी एजुकेशन बदलने का मतलब है, पूरा कंटेंट बदलने का मतलब है कि हमारा मूल्यांकन बदल जाएगा, और समाज में एक आदमी के सम्मान का मूल्यांकन बदल जाएगा। जैसे हम रायपुर में मान लीजिए 20 परिवार हैं जो थोड़ा सघन रूप से इस काम में लगे हैं और जो भी सारा सिस्टम है उसके लिए जिम्मेदार हैं, कम ज़्यादा और भी हैं, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। तो हमारे बीच में कोई बाहर से आके कोई सोचे कि मैं गोल्ड पहन के इस फैमिलीज के बीच में चला जाऊं और मेरी इज्जत मिल जाएगी, ऐसा होने वाला, किसी को लगे कि मैं बहुत सारा गोल्ड पहन के इनके बीच में चले जाऊं तो मेरे सम्मान का आधार होगा, होगा क्या होगा, उल्टा समझ में आ जाएगा इसकी मानसिक स्थिति कैसी है। कोई सोचे कि मैं बड़ी कार से चला जाऊंगा तो इस समूह में मेरा सम्मान हो जाएगा,
तो कोई आधार नहीं है। कोई सोचेगा कि लंदन पढ़ के आगे आप सम्मान हो जाए, वो भी नहीं। सम्मान का आधार क्या होगा? देखो, दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे परिवार के अंदर हमारे सम्मान का आधार क्या है? दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे परिवार में परस्पर सम्मान का आधार क्या है? समझदारी। क्या आप अंग्रेजी बोल दोगे इसलिए सम्मान हो जाएगा? क्या आप लंदन से पढ़ के आ जाओगे इसलिए सम्मान हो जाएगा? क्या आपका बिजनेस 5,000 करोड़ का है इसलिए आपका बच्चा आपका सम्मान करेगा? आप दिखने में बहुत सुंदर दिखते हो इसलिए पत्नी सम्मान करेगी? घर में क्या काम आ रहा है? घर में वही काम आ रहा है जो आ सकता है, इसलिए घर में सम्मान है। अच्छा, मेरे स्वयं में भी देखें, सही अर्थों में कोई चीज ऐसी जिसके आधार पे मैं हमेशा अपने आप को सम्मानित फील करूं, अकेला हूं तो भी खुश फील करूं और सबके साथ हूं तो भी? क्या मेरा रंग गोरा है इसलिए मैं खुश हो सकता हूं, हमेशा खुश रह सकता हूं? तो शरीर की कोई भी चीज मेरे हमेशा खुश होने का, मेरे खुद के खुश होने का आधार नहीं बन सकती। इससे समझ में आता है कि मापदंड तो कुछ और हैं और जो समाज में चल रहा है वो कुछ और है। इसलिए थोड़ा सा भी सोचने वाला आदमी होता है वो किसी पॉइंट पे जाके समाज को नकार देता है, तुम्हारी अब कुछ नहीं सुनना है। थोड़े से भी सोचने वाले बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बच्चे, हम जिद में भी माँ बाप को नकार सकते हैं, लेकिन अपनी किसी सही यात्रा की तलाश में भी हमको कई बार माँ बाप को कहना पड़ता है कि अभी मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है, अभी मैं इस पे चल के देखूंगा। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि दो तरीके हैं कि संसार मेरे को बहुत खूबसूरत नजर आए, हरा ही हरा नजर आए, इसके दो तरीके। एक तरीका है ये सारे लोग ही हरे हरे हो जाएं, सुंदर हो जाएं, समझदार हो जाएं। ये कब तक होगा? ये कब तक होगा? हो सकता है मेरी शरीर यात्रा में नहीं होगा, लेकिन एक ज्यादा आसान तरीका है, हरे रंग का गॉगल पहन लिया जाए। हरे रंग का गॉगल पहनने के बाद सब हरा ही हरा दिखता है। तो ये समझ रूपी हरे रंग का गॉगल है ना, दृष्टि बदलती है तो दृश्य बदल जाते हैं, नजरें बदलती हैं तो नजारे बदल जाते हैं, तमाम बातें हमने पहले से सुनी है। कल हमने थोड़ा सा शाम को देखा कि दृष्टि बदलती है तो नजरें बदलती हैं तो नजारे कैसे बदलते हैं। थोड़ी सी चर्चा हुई, थोड़ा सा कुछ खुला था, उसमें ही बहुत कुछ हमको दिखना शुरू हो गया और बहुत सारी शेयरिंग आप लोगों ने की। तो दुनिया कब बदलेगी नहीं बदलेगी बात की बात है, लेकिन मैं मेरी जिंदगी आज से शुरू कर सकता हूँ। और बहुत सारे आप लोगों ने ब्रेक के पहले जो भी एग्जाम्पल दिए उसमें अपनी उपयोगिता के विस्तार की जो बात आप तक पहुँच गई है, हालांकि शिविर में बात अभी उतनी आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन आपके अंदर वो ज़्यादा आगे बढ़ गई है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ। तो इसका अर्थ ये, ताली बजा सकते हैं इस बार, आपका समूह बहुत बढ़िया चल रहा है। इतना बड़ा समूह एक साथ इतना बढ़िया चल सकता है, वो हम सब के लिए भी एक उत्साहवर्धन है कि उतनी ऊर्जा में ज़्यादा काम हो सकता है। तो दोस्तों, इस सारी चर्चा को देखा तो क्या निष्कर्ष निकला? जितनी बातें मैंने अभी आपसे शेयर की उसका निष्कर्ष क्या निकला? हाँ जी बोलिए। सर, एक सवाल था, जो जब हम सुख वाली बात कर रहे थे तब से एक सवाल था, लेकिन मैंने बात करके भी वो सॉल्व करने की कोशिश की, तो भैया ने बताया कि आगे सही वक्त पे पूछना चाहिए। तो जो हम बात कर रहे थे कि पहले मुझे ऐसा रहता था कि ऐसा नहीं हो कि मैं अपनी वजह से किसी को दुखी दे दूं, क्योंकि सबकी प्रायोरिटी अलग अलग है, तो अपने सुख के लिए किसी को दुख दे दूं। फिर मुझे समझ आया कि ऐसा तो तभी तक संभव है जब तक मैं जिंदा रहने के धरातल पर काम हो रहा है। जीने के धरातल पे जब आके सोचेंगे तो अगर मैं सच में किसी को सुख देना चाहती हूँ तो जरूरी है कि पहले मेरे पास सुख हो। तो उससे दूसरी बात तक मैं और जब सोच रही थी कि इसका दूसरा मतलब ये भी है कि कोई और दुखी है तब ये जरूरी नहीं है कि मैं भी दुखी हूँ। ये संभव है जीने के धरातल पे कि वो दुखी है तब भी मेरे पास सुख है। लेकिन जब अभी हम मानव और मानव के मूल्यांकन की जब बात कर रहे हैं, तो फिर मैं जब ऐसे सोच रही थी कि कोई दूसरा इंसान दुखी है और मैं सुख में हूँ, तो मैं एक मानवता के उससे देखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि फिर मैं कैसी इंसान हूँ कि दूसरा कोई दुखी है और मैं सुख हूँ। तो वो थोड़ा स्वीकार, उस स्थिति को स्वीकार करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक छोटे बच्चे को मैथमेटिक्स का सम दिया
और दोनों दोस्तों के पास वो सम है और दोनों सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, दोनों घबराए हुए हैं और आप उनके टीचर हो, तो दोनों को घबराते हुए देख के आप घबराते हो? वो तो नहीं घबराता है ना, लेकिन उनके प्रति आपका जिम्मेदारी का भाव रहता है कि नहीं रहता है? जी। तो ये दूसरे के दुख में रोने गाना कोई जिम्मेदारी नहीं है, दूसरे के दुख को स्वीकार करना और उसको दूर करने की जिम्मेदारी के अर्थ में अपनी योग्यता और अपने तन मन धन को प्रसन्नता पूर्वक अर्पित करना, ये संज्ञानशीलता। मैं इसका जो समझ पाई कि जब स्थितियां ठीक नहीं है, कोई दुखी है, तो हमारे में करुणा तो होगी कि ऐसा कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उस स्थिति से हम अप्रभावित रह के और भी इस बारे में सोचे कि स्थिति कैसे ठीक हो सकती है। क्योंकि किसी घटना को हैंडल करने की पहली योग्यता है कि आप अप्रभावित रहें। प्रभावित हो गए तो हैंडल नहीं कर पाएंगे, है ना? तो इसका मतलब है कि आप प्रभावित रहने का मतलब ही है कि आप उसका नेगेटिव पार्ट आपको नहीं छूता है, उसका नेगेटिव पार्ट आपको नहीं छूता है, लेकिन उसका पॉजिटिव पार्ट, उसमें जो जिम्मेदारी का पार्ट है वो आपके साथ बना रहता है, उसको आप परफॉर्म करते हो। तो ये अप्रभावित कैसे रहा जाए? अप्रभावित ऐसे रहा जाए कि जैसे हमको जब 2+2 बोलते थे शुरू शुरू में था ना, हमारे छोटे बचपन में, वो 13 का पहाड़ा बहुत मुश्किल होता था और हर कोई आके 13 का ही पहाड़ा पूछता था और साइकोलॉजी की स्पेलिंग पूछता था बहुत मुश्किल था बचपन में, और मध्य प्रदेश की राजधानी पूछते थे। तो बचपन में हम लोग की समस्याएं अलग थी जो अभी तुम लोग की नहीं है। अब तुम लोग से कोई नहीं पूछता कि बताओ अच्छा केरल की राजधानी क्या है, तुमको लगता है कोई क्वेश्चन थोड़ी है, गूगल से पूछो। तो इसका मतलब है कि जब आपको 13 का पहाड़ा आता है तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो। तो हमारा कॉन्फिडेंस वहीं हिलता है जहां हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, जहां हमारी योग्यता नहीं बनी है। जिस मामले में हमारी योग्यता बन गई है उसमें हम परेशान नहीं होते, और जिस मामले में परेशान हो रहे हैं इसका मतलब अभी योग्यता नहीं बनी। तो कम से कम वो पहचान लेना है कि इसको ठीक करना है। बढ़िया। एक और बात जो मुझे शेयर करनी थी, तो जो सेशन में जब हम डिस्कशन होता है उसके बाद आप कहते हैं कि आपकी उपलब्धि क्या रही, तो वो वाला पार्ट मुझे काफी बढ़िया लगा, क्योंकि मेरे लिए वो काफी बढ़िया रहा कि चर्चा ये सारी हो गई लेकिन उसके बाद मेरे लिए क्या टाइम पास थोड़ी करते हैं कथा थोड़ी है, जो सुनना है सुन लो, नहीं सुनना आपकी मौज है भैया। यहाँ हम सब बैठे हैं तो किसी जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं, मेरा भी टाइम कीमती है, आपका भी कीमती है, उसका सदुपयोग हो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए हर चर्चा के बाद अपने काम का क्या मिला, लिखो, बोलो, आपस में शेयर करो, ये जरूरी है। और देखो अभी जो मैं ये सोचता हूँ कि जब हम लोगों ने शिविर किया है, जब हम लोगों ने समझना है, हमको इतनी जल्दी समझ में नहीं आया था जितना जल्दी आप लोग को आ रहा है। अभी एक एक व्यक्ति जिस तरह से कनेक्शन को बोलता है, जिस तरह से अपनी बात को शेयर करता है, उसमें जो क्लैरिटी है, तो अभी ये समझने समझाने का क्रम काफी फास्ट हुआ है। तो उसका कारण है कि शायद हम सबकी भी आवश्यकता बढ़ी है और कंटेंट की डिलीवरी भी हो सकता है बेहतर हुई होगी, तो इससे हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ी है। एक देखो अभी स्कूल एजुकेशन में एक लर्निंग टीचिंग की बात आजकल चलने लगी है ना, कि टीचिंग नहीं करना है, लर्निंग हुआ कि नहीं हुआ, मैंने क्या पढ़ा दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, सामने वाले तक क्या पहुंचा ये महत्वपूर्ण है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मेरी सफलता तब है जब सामने वाले तक पहुंच गया है। तो मेरी खुशी के लिए ये सुनिश्चित करना मेरी जरूरत है, मेरी जिम्मेदारी है कि जो कंटेंट मैंने आपसे आप तक डिलीवर किया वो आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसको टेस्ट करना, वापस उसके ऊपर रिवर्ट करना। जी थैंक यू। हाँ सर, मैं वही मुद्दे पे आ रहा था कि वो भाई साहब ने 4 दिन की जर्नी बहुत अच्छी तरह से, मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप हम उसको यहाँ तक, फिर आज का सेकंड हाफ का ये जो सेशन, मतलब ये दूसरा सेशन जो चल रहा है,
उसमें ये बहन ने अच्छा सवाल किया कि अप्रभावित कैसे होना है, तो वही अपना ये कंटेंट वही था अभी जो आपने समझाया कि हमको मानव में जो भौतिकता है और भाव है वो दो डिपार्टमेंट में हमने रोटी कपड़ा जितनी क्लैरिटी हो जाएगी उतना हम आराम में आ जाते हैं। रोटी कपड़ा और मकान सामने हमने अपना सम्मान रख दिया। अब ये असीमित है, अमर्यादित है और ये सीमित है, तो ये एक इक्वेशन बन गया कि जो अपने पास भौतिक चीज़ें हैं उससे अपना काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी भाव की डिमांड तो अनलिमिटेड है। हाँ, मतलब तो किसी रोटी कपड़ा मकान गाड़ी और किसी पद की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि वो आपको भय से अभाव से अंतर्विरोध से मुक्त कर दे और स्वयं के प्रति विश्वास और सम्मान को पैदा कर दे। बस तो इसको हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन में बार बार ला सकते हैं। बस तो वही हरे रंग का चश्मा भी पहनना है। मौजे। चलिए मैं आगे इसको, तो जो हमारी बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि जिंदा रहने के धरातल पर मैं जिंदा रहने को जीना मानता हूँ और सामान से ही अपने सम्मान को देखता हूँ। और गुजरात में तो वो चार छल्ले वाली कार बहुत फेमस है, क्या बोलते हैं, बंगड़ी, बंगड़ी, कंगन, चार कंगन वाली, चार बंगड़ी वाली, बंगड़ी, चार बंगड़ी, बंगड़ी, चार बंगड़ी वाली कार, है ना? देखा कैसा दिवालियापन है। एक लोहे का टपरा मेरे सम्मान का सूचक है, मैं अपने आप में सम्मानित नहीं हूं। जो खरीद नहीं पाए वो इसलिए खुश मत होना कि अच्छा है, कोई काम की नहीं थी। बोले चाह तो हम भी रहे थे पर अब समझ में आ गया यार हम ठीक ही। हाँ, ये एक जो गरीबी की प्रतिक्रिया है अमीरी के लिए, वो भी इसमें काफी खुश हो जाते। लेकिन सवाल ये है कि ऑडी नहीं खरीदी तो किया क्या, वो बताओ। अरे ऑडी वाले ने ऑडी तो खरीदी, कहीं से तो पैसा कमाया, सही कमाया गलत कमाया, कुछ तो मेहनत किया। तुमने क्या किया, तुम खाली बैठ के दूसरों की चुगली करते रहे। तो सवाल इस बात का है कि मैंने जिंदगी में क्या किया, मेरी उपयोगिता क्या है, मैंने क्या क्रिएट किया। तो मेरी खुशी दूसरे की असफलताओं को स्वीकार के मेरी खुशी बनने वाली नहीं है, वो मेरी भड़ास है। दूसरों को असफल घोषित करना या दूसरों की असफलताओं को ठुकरा देना से मेरी सफलता बनने वाली नहीं है, मेरी सफलता मेरी खुशी इस बात में बनने वाली है कि मैंने क्या क्रिएट किया है, मेरी खुशी उतनी है। तो दोस्तों ये जो है, जब सामान से सम्मान की तलाश है और वो सम्मान की तलाश असीम है, निरंतर है और वो सामान से है, इसलिए सामान की तलाश असीम है, इसलिए हर बिजनेस में मोनोपोली। और बिजनेस इतना बड़ा हो जाए कि मैं कंट्री खरीद लूँ, देश खरीद लूँ, है ना, ये मानवता को, मानवता का पोषण है कि मानवता का शोषण है। तो बहुत पोटेंशियल वाला आदमी, आदमी हल्का नहीं है, वो आदमी तो दमदार है, हो सकता है बहुत पोटेंशियल वाला आदमी का नियोजन, उसकी क्षमता का नियोजन किसी गलत दिशा में हो गया है। जिस दिन उसको समझ में आएगा वो उतना बड़ा क्रिएशन भी कर सकता है। तो एक गलती पकड़ में आई कि सामान से सम्मान की तलाश। दूसरी बात हमारा ध्यान जाता है कि इन सबको हमने सुविधा माना है। इन सबको हमने सुविधा माना है, सुविधा मतलब ये हमारे सुख। लेकिन ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है, जब सुविधा कह रहे हैं तो उसमें क्षणिक सुख है ही। लेकिन जिस निरंतर सुख की तलाश है, तो सुबह से शाम तक हमारा सारा प्रयास और सारी क्रियाकलाप को देखें तो वो सुविधा के पक्ष में ज्यादा है या किसी निरंतर सुख की तलाश में ज्यादा है। और निरंतर सुख का मतलब है स्वयं में और संबंध में तृप्ति, स्वयं और संबंध में तृप्ति। मैं जीते जी की बात कर रहा हूं, है ना, मैं अभी इस क्षण किसी मोक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं।
तो सुबह से शाम तक हमारे क्रियाकलाप को देखें तो ज्यादा क्रियाकलाप हमारा सुविधा के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है या स्वयं में और संबंध में तृप्ति कैसे हो जाए, ये भय अभाव और अंतर्विरोध से मुक्ति कैसे हो जाए और मैं दूसरों के जीने में कैसे सहयोगी हो जाऊं, तो हमारा क्रियाकलाप कहाँ दिखाई देता है? जोर से बोलिए, सुविधाओं के लिए। यदि सुविधा है तो फिर सुख का क्या होगा, क्या मान के जी रहे? फिर से समीकरण उतना ही है कि सुविधा हो गई तो सुख हो जाएगा। हाँ जी, माइक। सुबह से लेकर शाम तक हमारा प्रयास क्षणिक सुख के लिए है, मगर एक सूत्र जो है उसमें हम कह रहे हैं कि अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है, उसी दिशा में जाने के लिए हम बाध्य है। हाँ, वो एग्जिस्टेंशियल है। आप नोइंगली वैसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये अलग बात है। वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये बात अभी नहीं आई है कि वो मोह भंग नहीं हुआ है। हाँ, जितना जल्दी हो जाएगा वो उधर चला जाएगा। हाँ, मोह भंग होने का मतलब है कि ज्ञान पूर्वक उसकी समीक्षा हो जाए, अपने आसपास ऐसे जीते हुए लोग दिख जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि सुविधा से सुख की तलाश है और सुख कितना चाहते हैं? असीम। और कैसे मिलेगा? सुविधा से मिलेगा, तो सुविधा असीम हो जाए। देखिए, यह भी समझना होगा कि सुविधा किसको बोल रहे हैं, और हो सकता है जो हमारी सुबह की प्रॉब्लम थी वो भी थोड़ी एड्रेस हो जाए। सुविधा किसको बोलते हैं? सुविधा मतलब क्या? जैसे हम बोलते हैं आराम करने की सुविधा क्या है, आने जाने की सुविधा क्या है, जन सुविधाएं, तो इंद्रियों से जुड़ा हुआ सारा संसार सुविधा में आ गया। इसलिए इंद्रिय सुख की बात करें तो प्रजनन क्रिया भी सुविधा का ही पार्ट है। कुल मिला के नए शरीर क्रिएट करने का, नए शरीर पैदा होने का क्रियाकलाप का नाम प्रजनन है। तो वहां से लेके यहां से लेके पूरा विस्तार ये सुविधा का ही पार्ट है। और यदि सुविधा में सुख है और सुख में असीम चाहता हूं तो क्या करूंगा? वैरायटी और क्वांटिटी की तरफ जाऊंगा। वैरायटी और क्वांटिटी का नाम ही इंद्रिय सुख में, वैरायटी और क्वांटिटी का नाम ही सारा अपराध है। तमाम यूट्यूब चैनल आप देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो, बीच में कुछ निकल के आ ही जाता है, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है। और एक बार आप उस पर बटन दबा दो फिर पीछे सीरीज शुरू है, और वो आपको कहाँ पहुँचाएगी और आप कहाँ पहुँचेंगे और क्या क्या हो रहा है ये मेरे से बेहतर आप जानते हो, है ना। हो सकता है जेन्युइन रीजन भी हो, लेकिन मोबाइल का कोड वर्ड इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। मोबाइल का पासवर्ड, प्राइवेसी का ज्यादा काम किस बात का है? मेरे घर में मेरी मोबाइल की प्राइवेसी क्या चीज के लिए है? मेरे फोन में ऐसा क्या है जो मेरा बेटा देख लेगा? मेरे फोन में ऐसा क्या है जो मेरी पत्नी देख लेगी और खराब लगेगा? मेरे फोन में ऐसा क्या है जो मेरा भाई देख लेगा? लेकिन ऐसा है इसलिए ये इतना ज्यादा सेंसिटिव मामला है, है ना। मेरे फोन का पासवर्ड 111 है, 41 है, और वो कई सौ लोगों को पता है। क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आप कोई ऐसा बिजनेस चलाते हैं जिसमें आपको थोड़ी प्राइवेसी की जरूरत है, कुछ चीजें ऐसे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको हम नहीं चाहेंगे कि सबके लिए एक्सेसिबल हो, कोई जेन्युइन रीजन हो सकता है। तो जेन्युइन रीजन कितना है और बाकी रीजन कितना है, उस सबको हम देख सकते हैं कि कहाँ, जब मेरे भाव और विचार की दुनिया को खंगालने जाऊंगा तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और खुद से ही बहुत कुछ पूछना पड़ेगा। तो सार बात इतनी समझ में आई कि मैं मजबूर हूं उधर जाने के लिए, क्योंकि सुख मानव का नेचुरल डिजाइन है, नेचुरल चाहत है, उसको मैं नकार नहीं सकता। और सुखी होने के लिए मेरे पास दूसरा कोई डिजाइन है नहीं। देखिए,
एक बहुत बढ़िया मेरे को लगता है कि चर्चा यहाँ थोड़ी सी कर सकते हैं। प्रजनन क्रिया के मामले में, सेक्स के मामले में सामान्यतः महिलाएं ज्यादा संतुलित पाई जाती हैं पुरुष की तुलना में। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सामान्यतः अपवाद मिल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा पाया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तो धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं और बदल जाएंगी, लेकिन ये बात पशुओं में भी है। पशुओं में भी आप पाएंगे कि मेल बच्चों को, मादा को अपने बच्चों को अपने मेल से ही बचाना पड़ता है। अधिकांश पशुओं में ऐसा है, वही उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। पशुओं में जो मेल होता है वही बच्चों को कई बार नुकसान पहुंचाता है, माँ को उनसे भी बचाना पड़ता है। और पशुओं में सेक्स के लिए हिंसा देखी जाती है। तो यदि पशुओं में देखेंगे तो मादा परिवार परंपरा के लिए ज्यादा जिम्मेदार है, बच्चों के पालन पोषण के लिए ज्यादा जिम्मेदार है ना? और यदि पशुओं में देखेंगे तो मेल हमेशा उस एक्टिविटी के लिए खुला है, लेकिन मादा में किसी एक समय में ही वो कॉल उपलब्ध होता है। जैसे हम लोग गौशालाएं चलाते हैं तो हमेशा बुल उपलब्ध रहता है। गाय जब हीट में आती है तो बुल उसको पहचानता है और वो प्राकृतिक विधि से काम हो जाता है, लेकिन गाय हमेशा हीट में नहीं रहती। और जब वो हीट में नहीं है तो बुल उसके पास नहीं जाता है, ये प्राकृतिक है। मानव में कैसा है? मानव में ये प्रकृति विधि से नियंत्रित नहीं है, इच्छा विधि से नियंत्रित है। नेचर में ये प्रकृति विधि से नियंत्रित है। बाय नेचर ही वो नियंत्रित मामला है कि वो जो फीमेल है वो एक समय अंतराल बाद ही अनेबल होता है, तभी वो कॉल है, अदरवाइज वो कॉल ही नहीं है। मानव में कैसा है? कर्म कल्पनाशीलता का अधिकार है और कर्म स्वतंत्रता का अधिकार है। मान लीजिए मानव में ये कॉल बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड होता तो क्या मानव कल्पनाशील हो सकता था? तो मानव कल्पनाशील ही नहीं होता, और जब चाहे कुछ भी, जब चाहे जो कर सकता है, उसके पास ही अधिकार ही नहीं था। तो बाय डिजाइन मानव के पास कल्पनाशीलता का मतलब ही है कोई भी चीज बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड नहीं है। जो उसकी इच्छाएं हैं वो सारा उसकी इच्छा से कंट्रोल्ड है। इसलिए इंद्रियों की बहुत सुंदर परिभाषा है, इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंगों को इंद्रियां कहा है। क्या मशीन है! इच्छा से द्रवित होने वाले अंग। आपने रसगुल्ला देखा, रसगुल्ला देख के जिसकी खाने की इच्छा नहीं हुई है उसकी जीभ पे पानी नहीं आएगा, और रसगुल्ला सोच के भी जिसकी खाने की इच्छा है उसकी जीभ पे पानी आ जाएगा। वो गुपचुप क्यों, क्या बोलते हैं गुजराती में, गोलगप्पा, पानीपुरी, पानीपुरी से ज्यादा रिलेट हो पाएगा, पानीपुरी अभी आ जाएगा कई लोग को। तो कौशल जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहनों को ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए हमारे पास अभी तक मानव की बनाई हुई मशीन मैकेनिकल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है तो किसी एक पल्स पे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, लेकिन हमारे पास एक भी मशीन हमने ऐसी नहीं बनाई है। मशीन तो छोड़िए, अभी हम एक टिश्यू नहीं बना पाए हैं, कोशिका नहीं बना सकते हैं आर्टिफिशियली। हम आर्टिफिशियली सेल बना पाए होते तो आर्टिफिशियल ब्लड बन जाता। तो हम कोई ऐसी मशीन बना सकें जो कोशिकाओं से चलती हो, जो कोशिकाओं को प्रभावित कर दे, अभी तक हम बहुत पूरी तरह सफल नहीं है। लेकिन नेचर की डिजाइन देखो, ये जो इच्छा नाम की चीज है, बेटा ले जाओ आराम से। वो कह रहे हैं कि मेरे आने के बाद तुम क्यों शिविर कर रहे हो, पहले क्यों नहीं किया था? तुम पढ़ते ही रहोगे, मेरा पढ़ने का टाइम है, तुम किताब लेके बैठ गए। हाँ जी, क्या बात हो रही थी? मानव की डिजाइन। हाँ, तो ये आप समझिए कि जो ये शरीर को चलाने वाली चीज है, जहां इच्छा है वो बायोलॉजिकल नहीं है। इच्छा जहां पे है वो कोशिकाओं से बनी हुई चीज नहीं है, वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो भौतिक रासायनिक नहीं है, वो एक माँ बाप से नहीं बनता है, वो एक सेपरेट एंटिटी है,
उस सेपरेट एंटिटी में कोई इच्छा पैदा होती है, वो ब्रेन के थ्रू हमारी इंद्रियों को एक्टिव कर देता है, तो जो फिजिकल केमिकल नहीं है उसका प्रभाव कोशिकाओं को एक्टिवेट कर पाता है। क्या अद्भुत डिजाइन है। इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग को इंद्रिय संज्ञा है, उसको इंद्रिय कहा जाता है। तो हम बात वहां पे कर रहे थे कि बेसिकली जो नर और मादा है, तो पशुओं में भी मादा प्रजनन क्रिया के लिए और परिवार के लिए ज्यादा जिम्मेदार पाई जाती है, और पुरुष में भी मानव में भी ये क्रिया हमको देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है? तो मेरे को लगता है कि इस बात पे हमारा ध्यान जाएगा। तो पुरुष के खुश होने के दो ही दरवाजे, मेल के पास खुश होने के दो ही दरवाजे, या तो वो इंद्रियों की ओर जाएगा या वो ज्ञान पूर्वक सुखी होने की ओर जाएगा, या तो वो इंद्रियों से सुख पाने की ओर जाएगा या वो ज्ञान पूर्वक चेतना से सुख पाने की ओर जाएगा। लेकिन महिलाओं के पास, फीमेल के पास एक तीसरा दरवाजा और है जो पुरुष के पास नहीं है। क्या? मातृत्व। जन्म देने की घटना के आधार पे एक माँ को कोई शंका नहीं है कि ये बच्चा मेरे शरीर का हिस्सा है। एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपने से किसी दूसरी इकाई के साथ अपने जैसे होने का एहसास, ये बायोलॉजिकली मां को आ जाता है। जब पुरुष बाप बनता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता है, मेरा तो कुछ हुआ नहीं। तो पुरुष जो है बायोलॉजिकली बाप नहीं बनता है। पुरुष के ऊपर जब तक बच्चा सुसु कर करके रुद्राभिषेक उसका नहीं करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर से बाप जन्म लेता है। इतिहास गवाह है, बाप ने बेटी से गलतियां की ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, मां ने बेटी से गलती की ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। मिलेगा ही नहीं। इससे समझ में आता है कि मां में बायोलॉजिकली मां पैदा हो ही गई है, चेतना से भी हो जाए तो और बेहतर है, लेकिन पुरुष में यदि बाप पैदा होगा तो वो चेतना के डेवलपमेंट में पैदा होगा, बायोलॉजिकली नहीं होता है। इसलिए जन्म देने की घटना के आधार पर मेरे शरीर का हिस्सा, मेरे अंदर से जो क्रिएशन हुआ है, पूरी कायनात को देखेंगे, पूरी नेचर को देखेंगे तो क्रिएशन है। जैसे मैंने कहा कि बृहस्पति अभी ठोस नहीं है, तो बृहस्पति पे उसका ठोस होना, उस पे पेड़ पौधों का होना, उस पे पशु पक्षी का होना, उस पे मानव का होना, क्रिएशन है। लगातार एक क्रिएशन है और क्रिएशन की निरंतरता है। तो वो क्रिएशन में शामिल होने का सुख जो एक महिला को, स्त्री को प्रकृति विधि से उपलब्ध है, ये मेरा हिस्सा है, मेरे शरीर का हिस्सा है, ये मैं ही हूं। आप देखेंगे पशुओं में भी जन्म देने की घटना के आधार पर जब तक दूध का संबंध रहता है, गाय के बच्चे को बोलते हैं कुएं में डाल दो तो गाय पीछे से कूद जाएगी, गाय अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से जूझ सकती है। ऐसे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। जिस समय गाय बच्चा देती है उस समय जो राउत जो दूध निकालता है उसके अलावा कोई व्यक्ति पास जाने से उसका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, क्योंकि उस समय उसको अपने बच्चे के सामने कुछ नहीं है। तो इससे यह समझ में आता है कि पशुओं में जो संबंध है वो दूध का है। एक साल बाद उसी बच्चे को कुएं में डालो तो गाय को वैसा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पैदा होते ही यदि कुछ होगा तो उसको पूरा फर्क पड़ता है। लेकिन मानव में संबंध की स्वीकार्यता अपेक्षा के रूप में, जिससे नहीं मिले तब तक ठीक है, जिससे एक बार संबंध पहचान लिया तो हमेशा के लिए वो संबंध निभाए। लेकिन आप देख लीजिए महिलाओं में संबंध की स्वीकार्यता जन्म देने की घटना के आधार पर पुरुष से ज्यादा है। एक महिला अपने ससुराल के संबंध भी निभाती है, एक महिला अपने मायके के संबंध भी निभाती है और पति के सारे दोस्तों के साथ भी
जो भी आना जाना है परिवार में, जो भी एक सेवा का कर्तव्य है उसको भी निभा लेती है। कभी हमको बहू बन के दूसरे के लड़की के घर जाना पड़े तो हम कितना निभा पाएंगे? कैसा लगता है? सही मार, सही समझा है। आप ऐसा कहते हो तो पत्नी से प्यार हो जाता है। ऐसा मैं तो प्यार हो जाता है नहीं। पत्नी तो प्यार करने लायक है ही है। अब हम देश को आजाद कराने निकल गए, पत्नी छोड़ गई। तो दोस्तों इससे ये हमारा ध्यान इस बात पे चला गया, इस बात पे हमारा ध्यान चला गया कि सही अर्थों में, सही अर्थों में ये संबंध की जो तृप्ति है, तो एक बच्चे को जन्म देना, एक बच्चे को क्रिएट करना, उसके भविष्य की कामना करना, उसके भविष्य के लिए अपना तन मन धन उसमें इन्वेस्ट कर देना और उसके भविष्य की सुखद कल्पनाओं से खुश रहना, ये सुख का संसार मां के पास उपलब्ध है। ये सुख का संसार उसको इतना सुख दे देता है या इतनी उसके भीतर कोई स्थिति को ला देता है कि वो बहुत सारे मामलों में, उसके भीतर जो परिवार को लेके जिम्मेदारी है, उसके भीतर जो इंद्रियों, एक जगह से कोई सुख पा लिया तो एक लेवल की स्टेबिलिटी आ गई, इसलिए वो उतना असंतुलन महिलाओं में कम देखने को मिलता है। अभी जैसे जैसे महिलाएं करियर ओरिएंटेड होती जा रही हैं, उनका भी पुरुष जैसा बिहेवियर दिखने लगा है। जैसे जैसे वो मातृत्व को दबा के करियर ओरिएंटेड होती जा रही है ना, वैसे वैसे अब दोनों में ज्यादा असमानता नहीं रह गई, अब दोनों आसपास पहुंच रहे हैं। अब बच्चा भी जन्म देने का टाइम नहीं है क्योंकि सेलिब्रिटी बनना है ना, और बच्चा उसमें बाधक है तो बच्चा कोई दूसरा अपने 9 महीने दूसरा अपने घर में रख लेगा, अपने पास टाइम कहाँ है बच्चा घर में रखने के लिए। ये तमाम जो करियर ओरिएंटेशन है या जो बाहर दिखने का, जो इतना दिखने का, तो हमारी ज्यादा मेहनत अभी दिखने की तरफ है कि होने की तरफ है? हमारी सारी मेहनत दिखने की तरफ है, मैं कैसा दिखूं, मेरी गाड़ी कैसा दिखे, मेरा मकान कैसा दिखे, मेरा करियर कैसा दिखे, और भीतर भीतर उतना ही खालीपन बढ़ता गया जितना मेरा सारा प्रयास दिखने की ओर लगता गया। क्या समझ में आया लिख डालिए। इस पूरी चर्चा से आपका ध्यान अपने लिए कैसा जाता है, जो कुछ हमारे आसपास घट रहा है उसका विश्लेषण आप कैसे करते हो, अपने लिए क्या समझ में आता है, आगे के लिए क्या रास्ता बनता है, एक बार देख लीजिए। हाँ जी, हो जाए, बोलिए बोलिए शेर।
काश उसके मोल को समझ पाओ, उसके पास जा कभी प्यार से बतलाओ, उसके कहे को हल्के में ना उड़ाओ, उसे भी अपनी तरह काबिल बताओ। बाद में हाँ जी बताइए, इस पूरी चर्चा से क्या समझ में? हाँ जी कोई ठीक माइक ले लो। इससे ऐसे पता चलता है कि मातृत्व नेचुरल डिजाइन है। हाँ मातृत्व नेचुरल डिजाइन है। हाँ मातृत्व नेचुरल डिजाइन है और वात्सल्य भी नेचुरल डिजाइन है। इसमें पिता का रोल नहीं बजता है। हाँ पशु पक्षी में भी पिता नहीं आता। हाँ तो वही बायोलॉजिकल प्रधान ज्यादा हो गया, लेकिन जिसको कहना है कि मानव की जब बात करेंगे तो दूसरे में समझ का बीजारोपण करना भी उतना ही नेचुरल है। इसलिए आप देखो कि हर आदमी दूसरे को समझाने की कोशिश कर ही रहा है। सामने वाला समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है ये अलग बात है, लेकिन बीज हमको दिखाई दे रहा है कि हर आदमी दूसरे को कुछ बताना चाहता है। मैं सही सोच रहा हूँ इसको बताना चाहता है, मेरा कार्यक्रम ठीक है, मेरी योजनाएँ ठीक है, ऐसा बताना चाहता है। इसका मतलब है कि अपने आप को सही ठहराने का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट कहिए या एक नेचुरल चाहत कहिए, वो सभी मानव में है ही। तो मैं सही समझता हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, ये ऑथेंटिसिटी की चाहत सभी मानव में है ही। उधर बायोलॉजिकल में मात्र तो है, इधर ये सही को समझने की चाहत। बढ़िया थैंक यू। हाँ जी हाँ जी हाँ सर, माइक जिनके पास है वो बोले, हाथ उठा रहे। हाँ सर, अभी तक सम्मान की जो बात है, सम्मान तो मैं भी चाहता था और मैं किसी को सम्मान देता भी था। अब जब सम्मान देते थे तो प्रॉब्लम क्वेश्चंस का आंसर तो मिल चुका है, तो मैं शेयर करना चाहता था कि सम्मान अभी तक हमने हमेशा देखा सुविधाओं में देखा, सुविधा शरीर से जुड़ी हुई है और शरीर थकान महसूस करता है। तो उससे क्या हुआ कि अभी तक का जो सम्मान था थकान के साथ उसका एक्जिस्टेंसी नहीं बचता है ऐसा लग रहा है। और जिन जिन लोगों ने सम्मान अभी तक पा भी लिया है, वो पाने के बावजूद भी उनमें वही प्रॉब्लम है कि बाकी सारे लोग वो सम्मान को देखते हुए उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हुए उसको और थकान करना पड़ रहा है उसको। जैसे हम लोग समझ ले कि जो बंदा अभी तक बहुत अच्छी पोस्ट पर बैठ चुका है उसको सम्मान मिल रहा है, उसके ना चाहते हुए भी वो सम्मान को मेंटेन करते हुए, लोगों की ख्वाहिश को मेंटेन करते हुए भी उसको वहाँ पर निर्भर रहना पड़ता है। वो कहता है कि मैं थक चुका हूँ, पर तुम मेरे पास सब कुछ होने के बाद तुम क्यों कह रहे हो कि तुम थक चुके हो? इसलिए भी वो लगता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें अंदर जाना है। वो पर्सन को कहाँ जाना होता है, उसको उसके अंदर ही जाना है, बाकी के सम्मान को छोड़ना है। तो छोड़ना नहीं है, जो बाहरी तृप्ति है। देखिए हम किसी भी पद पे हैं, उस पद पे बैठ के जो कुछ भी हम अच्छा कर पा रहे हैं वो बाहर से मिली हुई एक तृप्ति है। जैसे वो दीदी ने बताया कि उन्होंने बहुत सारा काम किया, बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे भी हमको तृप्ति मिलती है। और वो तृप्ति मेरे साथ 24 घंटे नहीं बनी रहती है, बिल्कुल है ना, लाइफ लॉन्ग नहीं बनी रहती है। तो वो जो इंटरनल तृप्ति है, भाव और विचार की जो क्वालिटी है, तो सुखी होकर करना, करके सुखी होना। अभी डिजाइन कैसा है, करके सुखी होना। करके सुखी होना में यदि अंदर से सुखी नहीं हूं तो उस समय अच्छा लगता है, चार लोग अप्रिशिएट करते हैं वो भी अच्छा लगता है, लेकिन भीतर में जब अकेला हो जाता हूं फिर खाली हो जाता है। तो सुखी होकर करना, सुखी होकर मतलब समझ कर सुखी होना, सुखी होकर करना और करके भी सुखी होना, तो साइकिल पूरा हो गया। तो रूप धन बल पद गलत चीजें नहीं है, रूप बल धन पद साधन है मेरी तृप्ति को व्यक्त करने के लिए, तब तक है ना, वो साधन है। लेकिन जो कोर चीज है, जो निरंतर बना हुआ है, वो तो मेरे भाव और विचार की धारा है, वही व्यवहार में और कार्यक्रम में व्यक्त होता है। तो कार्यक्रम एक मानव के अंदर तृप्ति की अभिव्यक्ति है। हमारा सारा कार्यक्रम क्या है, हमारा सारा फैलाव क्या है, वो मेरी तृप्ति की अभिव्यक्ति है। जब वो तृप्ति की अभिव्यक्ति है तो थकान नहीं है, बिल्कुल। जब वो करके तृप्त होने की कोशिश है तो वो थकान है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ करती है, एक माँ रात भर अपने बच्चे के लिए जग सकती है ना, फिर दिन भर भी काम कर सकती है। दूसरे के बच्चे के लिए ऐसा करके देखो, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिसके होने मात्र से आपको तृप्ति मिलती है, मेरा है, वो तृप्ति बहुत फिर बहुत कुछ करवा देती है। इसलिए शादी के पहले जब प्यार होता है उसमें कभी बोरियत नहीं होती, बाद में जो प्रॉब्लम आनी है वो अपने तरीके से आएगा।
तो बोलो बोलो माइक। नहीं वो अडॉप्शन वाला जो विचार है बच्चे का कि वो अडॉप्ट कर लेते तो उसमें क्या होता है, वो इतनी इतना भाव नहीं आता जो, और वो चेतना पे डिपेंड करता है। आप ये बोल रही हैं कि जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, देखो पहले जो बच्चों को अडॉप्ट करते थे उसमें थ्योरी ये थी कि उनको मत बताओ कि तुमको गोद लिया गया है, फिर धीरे से अब ये थ्योरी बदल गई है कि उनको सब कुछ बताओ। नहीं हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि हम उसे नहीं मत बताएं, बट समाज बता देता है तो क्या। हाँ वही तो कह रहा हूँ, इसलिए उसका उसका तोड़ यही निकला कि उसको शुरू से बताओ। अब आपका चेतना का स्तर, आपका व्यवहार उसको अडॉप्ट कराएगा। मैकेनिकली अडॉप्ट करना एक चीज है, भाव से कितना अडॉप्ट किया, जिस क्षण में अडॉप्ट किया था उस क्षण भाव था, चार साल बाद क्या हुआ। और मान लो एक का भाव कम है दूसरे का ज्यादा है तब क्या हुआ, और ये वक्त के साथ साथ बदल गया तो क्या हुआ, और दूसरों को छोड़ो यहां तो अपनों के साथ ही बदल रहा है। आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो भाव बदल ही जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो भाव की निरंतरता है, जो चेतना का स्तर है, ये जो भाव और विचार की दुनिया है, इस पे काम किए बिना चाहे अडॉप्ट करो चाहे अपना करो, वो सब मामला बहुत लंबा चौड़ा नहीं। क्या निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला आपकी बात से माइक, इनकी बात कहां पे एंड हुई। मेरी तृप्ति कहां है वो हमें डिसाइड करना है। हाँ तो मैं बात कर रहा था सम्मान से, जो अभी तक के जो सम्मान था उसका मेरे को आंसर तो बिल्कुल मिल चुका है। हाँ। जो था तो सम्मान को मैं किस तरह से किसको सम्मान सोचता हूँ। हाँ। मेरे पास दो पर्सन सामने खड़े हुए तो किसको सम्मान देना है अब मैं वो डिसाइड कर सकता हूँ। पहले खुद सामने खड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सम्मान ये है कि मैं सही समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल। अपने समझने के प्रति सम्मान, मेरा भाव सही है अपने भाव के प्रति सम्मान, विश्वास, मेरा विचार सही है अपने विचार के प्रति सम्मान, मेरा व्यवहार सही है अपने व्यवहार के प्रति सम्मान, मेरा लोगों के साथ जो कार्यक्रम है वो सही है उसके प्रति सम्मान, मेरी उपयोगिता के प्रति मेरी स्वीकृति है उसके प्रति सम्मान, इतना फैला हुआ। जब मेरे को अपने में इतना दिखता है तो दूसरे में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बिल्कुल। वहां भी यदि यदि उसमें कोई कमी है तो मिलजुल के सहयोग कर पाएंगे। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पीछे बहुत देर तक खड़े रहते हैं बोलते नहीं। बोलिए। काफी लोग बोल रहे हैं ना कि मैं कंफ्यूज हूँ तो थोड़ी क्लैरिटी और लेता हूँ। नहीं नहीं बहुत बढ़िया, आपका स्टाइल बिल्कुल बढ़िया है, बहुत धैर्य आप। सो ये जो कम्फर्ट जोन और फैसिलिटीज, ये जो दो चीज है उसके हाउ की, हाउ पार्ट आई थिंक वी हैव नॉट डिस्कस्ड येट, राइट? हाउ पार्ट मतलब कैसे होगा वो? हाँ, आई नो इट विल कम फ्रॉम इनसाइड, बट हमने हाउ पार्ट पे हम लोग गए हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू आस्क, आई एम नॉट वेरी श्योर। मतलब मैं यदि आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि यदि हमको जीने की समझ आ गई तो कम्फर्ट्स का क्या होगा, ऐसे पूछ रहे हैं? आपके क्वेश्चन को थोड़ा और आर्टिकुलेट कर दे। नहीं, आई डोंट थिंक सो। फॉर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अभी हम जो रूम में रह रहे हैं 302 में, वहां पे मैं नीचे गद्दे पे सो रहा हूं, मैं लेकिन इस साइड के गद्दे पे सो रहा हूं, तो वहां पे मुझे जिस दिन से आया हूं मैं उस दिन पे उसी गद्दे पे सो रहा हूं और मुझे नींद ठीक ठाक आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं और कोई जगह पे अभी चला जाता हूं तो मेरी ऐसी फीलिंग है कि मुझे हो सकता है नींद ना आए ठीक से, तो आई कंसिडर दैट एज ए कंफर्ट जोन, राइट? तो अभी एक्चुअली आई वॉन्ट टू बिकम फ्लेक्सीबल के आई कैन स्लीप एनी वेयर। आई नो इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम इन साइड, इट्स ऑल देयर इन द यू नो मन जी जो बात करते हैं हम, तो उसका जो हाउ पार्ट है इट विल कम ग्रेजुअली और ग्रेजुअली, और कभी कभी उसको ज्यादा कुछ करने की वो जरूरत भी नहीं है। अभी आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन जहाँ रहता है और उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, उसको बनाए रखने में क्या दिक्कत है, क्यों जबरदस्ती उसके साथ काढ़ी करना है? मतलब ये भी कोई हमारा लक्ष्य नहीं है कि मेरे को कहीं भी नींद आ जाए। तो मेरे को जहाँ नींद आ सकती है उसके लिए कम्फर्ट जोन बना लेने में और जीवन के लिए फिर कम्फर्ट जोन बना लेने में, चलते रहने में कोई बुराई नहीं।
तो हमारी ऐसी कोई साधना नहीं है कि मेरे को कहीं भी नींद आ जाती है और इसलिए अब मैं सुखी हो जाऊंगा। शरीर के अपने अभ्यास हैं, किसी को जल्दी सोने के अभ्यास हैं, किसी को जैसे एक अच्छी शेयरिंग कर देता हूं, मेरे को लगता है वो आपको मदद करेगी। एक बार युवाओं के साथ, आजकल सबको देर से सोने की आदत है और बच्चे देर से उठते हैं, उसको लेकर माँ बाप को काफ़ी घरों में काफ़ी आपस में बातें होती हैं। तो आदरणीय नागराज जी के साथ, किसी युवा के साथ और पेरेंट्स के साथ ये चर्चा हो रही थी कि ये बहुत देर से उठते हैं और ये बहुत प्रॉब्लम है और ऐसे तो नहीं चलेगा और कैसे चलेगा, वो सारी बातें हो रही थी। तो उस पर आदरणीय नागराज जी ने जो व्यू दिया वो बहुत मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, हमको कैसे जो फ्लेक्सीबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखो ये मुद्दा ये नहीं है कि कितने बजे सोते हैं कितने बजे उठते हैं, मुद्दा इतना ही है कि शरीर का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो क्लॉक को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं मेंटेन कर रहे हैं। यदि मान लीजिए आपकी जॉब की ऐसी डिमांड है या आपकी जीवन शैली की ऐसी स्थिति बन गई है कि रोज आपको 2 बजे सोना है, तो 2 बजे सोने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आप 6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद, जो भी आपका सोने का समय है, तो कुल मिला के खाना खाना और पॉटी, ये दोनों बायोलॉजिकल फिनोमेना है। तो स्लीप, खाना खाना, सोना, पॉटी, ये इसका टाइम मेंटेन करने की जरूरत है, इसको हम बहुत डिस्टर्ब नहीं कर सकते। 4 घंटे पहले कल सोया, 4 घंटे बाद सोया, 4 घंटे बाद पॉटी गया, 2 घंटे पहले गया, शरीर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो खाने का समय, सोने का समय, पॉटी का समय, यदि आप इसको मेंटेन करते हो तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को आप कैसे भी घुमा सकते हो। हम यदि अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ के क्लॉक के हिसाब से ढले जाते हैं, भारत का बिल्कुल उल्टा है, या अमेरिका वाले सारे रात को ही जग रहे हैं हमारे हिसाब से, तो हम सोते हैं उनका जगने का टाइम हो जाता है, लेकिन उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे समझ में आया कि जब तात्विक रूप में टेक्निकली हम किसी बात को समझेंगे तो अनावश्यक कंडीशनिंग में नहीं फंसेंगे, नहीं अब रात को 8 बजे सोना चाहिए, 9 बजे सोना चाहिए, क्लॉक को एक बार समझ लेंगे फिर डेली वो क्लॉक आप मेंटेन कर रहे हो तो चल जाएगा। मूल बात यह है कि अपना लक्ष्य सब पूरा हो जाए, वो जो स्वयं के प्रति विश्वास है, वो जो जीने के प्रति विश्वास है, जैसे जैसे हम उस तरफ चलते हैं ऑटोमेटिकली आपके कंफर्ट जोन जितना शिफ्ट होना होगा, जितनी उसकी आवश्यकता होगी, वो खुद ब खुद हो जाएगा। जैसे मैं आपको जनरल वो देता हूँ, शिविर के 3rd-4th दिन से आपकी नींद कम हो जाती है, आप कम घंटे सोते हो फिर भी आप फ्रेश रहते हो, कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब है कि जब जीवन में तृप्ति आती है, जीवन को तृप्ति की संभावना दिखती है, वो ज्यादा समय एकदम अवेयर रहना चाहता है और कम घंटे की नींद में भी काम चल रहा है, क्योंकि नींद की उतनी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कोई और मीनिंगफुल काम नहीं है तो 2 घंटे और सो के ही बिता दें, क्या करें, और उठ के भी क्या करेंगे, उठने का कोई जज्बा भी नहीं है ना। सुबह बोलो बच्चे को 5 बजे उठ के पढ़ लो तो हमको बहुत नींद आती है, और सुबह जो दोस्तों के साथ मैच खेलने जाना है तो बिना उठाए उठ सकते हैं, तो मोटिवेशन चाहिए ना। तो जब तक वो मोटिवेशन नहीं है, तो मेरे को लगता है कि जो प्रधान चीज है, कौन किसको चलाता है, मैं शरीर को चलाता हूँ कि शरीर मुझको चलाता है, तो बेसिकली मैं शरीर को चलाता हूँ, मेरी जैसी आवश्यकता है वैसा शरीर एडजस्ट हो जाता है ना। जैसे मेरे को ट्रेन में सबसे अच्छी नींद आती है, तो कभी कभी मेरा मन करता है कि घर में भी ऐसी हिलने वाली लगा लूं, है ना, और उतनी आवाज भी आती रहे, खड़खड़ खड़खड़, है ना। अब वो ट्रेन में मेरे को सबसे अच्छी नींद आती, अब या तो मेरी जर्नी इतनी रही बचपन से, उसकी वजह से मेरे को स्वीकार हो गया, तो जो स्वीकार हो गया और जैसी शरीर की स्थिति है, तो कंफर्ट जोन के बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने बाकी चीजें भी कही, कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, किसी भी तरह का उपदेश नहीं है, केवल सच्चाई हमको छूने लगे, वो सच्चाई सुने जो हमारे भीतर स्फुरण होता है, जो हमारे भीतर कुछ नया नया पंसा, हमारी जिंदगी हमेशा नई सी हो या पुरानी सी हो, कैसा लगे हर दिन उठ के, कैसा लगे नई सी, हर दिन उठ के वो नया पंसा लगे, हर दिन उठ के वो एकदम नई, है ना, जिंदगी को जीने का उत्साह रहे, फिर शरीर आवश्यकता अनुसार जो होना हो जाएगा। ध्यान रखते ही हम, फिर जैसा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी वैसा ध्यान रख लेंगे। तो कंफर्ट जोन को लेके मैं तो कभी ऐसा बोल, हाँ इतना जरूर, मेरे कंफर्ट जोन कैसे हैं, मुझको कमरे में अकेलापन चाहिए, मतलब मेरे कंफर्ट जोन इस टाइप के। आजकल क्या हो गया यार, कोई भी आदमी अकेला नहीं है, साथ में उसके कई आदमी आते हैं, फोन
तो वो थोड़ा सा एक जो उनकी जरूरत है कि हाँ जो भी मैं बैठ के सोचना समझना चाहता हूँ, अकेले में बैठना चाहता हूँ, अपने साथ बैठना चाहता हूँ, उसमें थोड़ी सी मेरी वो कॉलेज टाइम से आदत इस मामले में ख़राब कही है अच्छी कही है, मैं कॉलेज के समय भी अपने रूम में अकेला ही रहता था, तो मेरे को उस टाइम में एक कम्फर्ट जोन में मेरा थोड़ा सा वो है रिजर्वेशन, और मैं इवन घर में भी ऐसे ही रहता हूँ, मतलब घर में भी वैसे ही मेंटेन होता है। तो इस तरह की कोई चीज़ हमारी है और किसी को उससे दिक्कत नहीं है तो क्या परेशानी। तो हर जगह मैं अभी मैं सोचूं कि नहीं मैं कहीं भी रहूं और सबके बीच में हमेशा मैं वैसे ही रह सकता हूं 24 घंटे, मुझको अभी ऐसी आवश्यकता नहीं लगी, फ्यूचर में कभी लगेगी तो कर लूंगा। क्या लगता है? नहीं सही है। दूसरा एक सवाल है, ड्रेसिंग अप वेल। हाँ, ये काफी मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट है, तो और मैं पता नहीं छोटेपन से मानता भी हूं, मेरी बीवी का मानना है ऐसा, मेरा एक बैंगलोर में भी फ्लैट होता अगर मेरे पास कम कपड़े होते तो, वो कई बार पब्लिकली अनाउंस भी करती है, तो मेरे पास इतने कपड़े हैं और पगड़ी भी इतनी है जबकि यहाँ पे लेके नहीं आया हूं, तो 30-35 कलर की कपड़ी मतलब पगड़ी है, जितने आई थिंक लड़कियों के पास ड्रेसेस भी नहीं होते, तो इस पे आप थोड़ा कुछ बता सकते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे पसंद है बट मे बी मुझे और थोड़ा डीप में जाना है, हो सकता है अप्रिसिएशन चाहिए मुझे, प्रॉबली आई एम लुकिंग, आई मीन आई हैव अ हंगर ऑफ अप्रिसिएशन बिकॉज आई एम इनटू दैट इंडस्ट्री, और मे बी मेरा ऐसा छोटेपन से ऐसा रहा है बिकॉज आई एम द प्रोबेबली मिड चाइल्ड सिंड्रोम, आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैं मंझला हूँ घर पे और हमेशा बाहर रहा हूँ, तो ये भी है। देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि हर आदमी के साथ कोई कोई चीजें उसकी अपनी जुड़ी हुई है, तो इन सारी चीजों को हम सही गलत की दृष्टि से देखने की बजाय सही गलत का मतलब जिंदा रहने के धरातल पर हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग ही रहेंगे, ये कभी नहीं बदलेगा, हमेशा ऐसे ही है, यही शाश्वत है, एक पार्ट हो गया। जीने के धरातल पर हम सब एक हैं, ये भी कभी नहीं बदल सकता, ये भी शाश्वत है, दो बातें पूरी हो गई। फिर से वही बात आती है कि कौन किसको नियंत्रित करता है, तो मैं शरीर को नियंत्रित करता हूं कि शरीर मुझको नियंत्रित करता है, तो धीरे से ये बात हमको स्वीकार होती है कि आखिर मैं ही तय करता हूं कि पगड़ी पहननी है कि नहीं पहननी है, और आज नहाना है कि नहीं नहाना है, खाना है कि नहीं खाना है, तय तो मैं तो कई बार नहीं नहाता हूँ, सैटरडे को नहीं नहाता हूँ, रोज नहाना कोई जरूरी भी नहीं है, और मैं वैसे ठंडे पानी से नहाता हूँ सबको बताने के लिए, वही कह रहा हूँ। तो ये सब हमारी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, इन सबसे कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर से वही कहूंगा कि जो मूल ध्रुव है उसको पकड़ा जाए, जीने मेरे भाव और विचार की दुनिया में मेरी क्लैरिटी कितनी है, ये संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, क्यों जीना है, कैसे जीना है, अपने भाव और विचार से मुझको कितनी तृप्ति है। अब देखना यह है कि भाव और विचार से तृप्ति है कि मेरी तृप्ति कपड़ों से आती है, कपड़ों से जो तृप्ति है वो मेरी पसंद का भाग है या दिखने का भाग है, ये सब अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, आपको किसी को कहने की बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने भाव और विचार में जानना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। तो जो अध्ययन की बात करते हैं वो ये कह रहे हैं कि अनुभव की रोशनी में हर क्षण क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसको जांचते रहना, इतनी काम है। अनुभव की रोशनी का मतलब है कि एग्जिस्टेंस में ये संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, ये डिजाइन पहले से रखा हुआ है, ये ना हिंदू को सोचना है, ना मुस्लिम को सोचना है, ना सिख को, ना ईसाई को, ठीक है। हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई समय के साथ साथ हमारी मॉडिफिकेशन है, जब आदमी गुफा में था तो वो हिंदू था कि मुस्लिम था, जैन था कि बौद्ध था, है ना, तो उसके बाद जो भी महापुरुष आते रहे उन्होंने जो भी जीवन शैलियां बताती रहे उसको हमने लेके चलते रहे, और उससे हम पहले से बेहतर हुए हैं, इसको स्वीकारते हुए उसके साथ हम चल रहे हैं। तो धीरे से हमारी ये क्लैरिटी बनती है कि मूल में मैं अपने में जो मूल जो चीजें हैं कि अस्तित्व जैसा है वो ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना सिख का है, ना ईसाई है, वो जैसा है वैसा है, किसी नियम से है। ये जो मैं नाम की रियलिटी है ये भी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना जैन है, ना बौद्ध है, ना सिख है, ना ईसाई है, ये भी जैसी है वैसी है, ये एग्जिस्टेंशियल है। ये शरीर जैसा है ये बायोलॉजिकल है, ठीक, इन तीनों में ही कोई इज्म नहीं है, किसी में भी नहीं है। अब एक बात आती है कि मेरी क्लैरिटी उस पर कितनी है। तो जैसे जैसे मेरी क्लैरिटी बनेगी,
वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और जहां जहां संतुलन की आवश्यकता है उसको करते जाएंगे। तो यहाँ ना तो ये कहा जा रहा है कि आप कार रखो, ना ये कहा आपको छल्ले वाली रखनी है छल्ले वाली रखो, आपको सामान्य रखनी है सामान्य रख लो, घोड़े पे चलना है घोड़े पे चलो, पैदल चलना है पैदल चलो। ये सब मैकेनिज्म है, ये सब मेरी स्वीकृति है ना, मुझको जैसा लगता है। लेकिन लक्ष्य जो मूल मुद्दा है उस पॉइंट को केंद्र में रखें, बाकी चीजें उसके अनुसार सेट होती रहेंगी। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप इतनी पगड़ी क्यों पहनते हो, ये मेरा अधिकार नहीं है, वो आपकी चॉइस है, उसकी कीमत आप चुकाते हो, उसके लिए अपनी जिंदगी की कीमत आप लगाते हो, वो आपकी चॉइस, मैं क्या करूंगा वो मेरी चॉइस। मेरे से आप बात करोगे तो मैं अपना दृष्टिकोण बता दूंगा, आपको जो ठीक लगेगा आप कर लेना। तो ये छीना झपटी का कार्यक्रम नहीं है, ये सबको सही बताने का कार्यक्रम नहीं है, अस्तित्व कैसा है वो बताने का कार्यक्रम, और आप अस्तित्व का पार्ट एंड पार्सल हो, तय आपको करना है, खत्म, बहुत आराम का काम। भैया आपका वो बाइक वाला एग्जांपल दीजिए ना, यहाँ यहाँ अच्छा आपका बाइक वाला एग्जांपल जो आपने कॉलेज में खरीदी थी, ये आपको सब पता, प्लीज दीजिए भैया, कुछ और लोगों के लिए भी जरूरी हो सकता है। पहले भैया कुछ खड़े हैं बोल रहे हैं। हाँ मैं पिछले 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ बोलने का। एक्चुअली पिछले सेशन में माइक की जिम्मेदारी मेरे पास थी तो मुझे ठीक नहीं लगा उस टाइम बोलना। अच्छा तो अब दीदी के पास है भैया, तो मैं बोल सकता हूँ जी। एक तो अभी जो करंट छोटा सा इशू है, ये जब आपने वो बॉडी क्लॉक का जब समझा रहे थे तो US से कंपेरिजन मेरे हिसाब से इसलिए ठीक नहीं क्योंकि तब सनराइज वहाँ होता है, तो आपका अगर ये सोने का और खाने का अगर रात को 2 बजे वहां पे तो धूप निकल रही ना, लेकिन इसका मतलब है कि जहां जैसा भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैंने एग्जांपल के रूप में दिया। जो लोग रात को 2 बजे सो रहे हैं, हाँ मतलब वो पहले तो इस बात का प्रयास करें कि 9 बजे सो पाए, मतलब ये ऐसा आप कह लो आपकी मौज है, मैं आपको रोक नहीं रहा, और मैं जो कह रहा हूँ उसको आप सोचो, इसको आप रोक नहीं सकते। दूसरा एक पिछले सेशन में एक पॉइंट आया था जो आपने अपने परिवार के लिए कहा था कि ये इस बात पे क्लैरिटी बनी कि नहीं बनी, मतलब क्लैरिटी की बात ये है कि किसी बात को हम कंसिडरेशन में अपने ले जाएं, इसके बावजूद भी बोर्ड पे लिखा ही है कि मानना नहीं है, तो आप केवल अपने कि आपकी कंसिडरेशन के लिए है, कंसिडरेशन में ले जाएं, ऑब्जर्वेशन में ले जाएं, फिर देखिए कैसा लगता है। एक पॉइंट जो पिछले सेशन में जब आपने कहा था कि आपके बेटे ने और आपके परिवार में एक और भाई ने जब विवाह किया तो उन्होंने ये तय कर लिया कि हमें फार्म पे ही रहना है, हमें खेत में रहना है, तो हमने लड़कियों पे उससे बात कर ली उस तरह से, तो फिर अपना इसमें परिवर्तन क्या हुआ? ये तो हम शुरू से करते ही आ रहे हैं कि भाई शादी करके आना, देखो बाहर जींस पहन लेना, घर में साड़ी पहननी पड़ेगी, वैसे भाइयाँ आती है लेकिन बस रोटी तो बहू की आती खाते हैं हम लोग, तो ये तो हम सालों से लड़कियों को ये कह के लाते ही आ रहे हैं, मतलब इसमें हमने लड़कियों को तो अभी भी चांस नहीं दिया ना। अभी अच्छा एक और बात, अभी हरजिंदर भाई ने आपको नमस्ते बोला है इंदौर से, उन्होंने भी शादी ऐसे ही की है, हरजिंदर भाई ने भी, उन्होंने भी लड़की से पहले ही बात कर ली तुमको मेरे साथ खेत पर रहना पड़ेगा, उन तीनों लड़कियों से किसने पूछा कि तुमको खेत पर रहना है? आपका जो कहा जाता है और उसमें जो नहीं कहा जाता है आप उसको पकड़ लेते हो, तो ये थोड़ा सा आपके साथ आप इसको जांच लो किधर से आ रहा है, वो क्यों आ रहा है ऐसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना एक मानव के विकास का अवसर इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो जाएगा, यहाँ किसी तरह की मान्यता नहीं है, लेकिन मान्यता एक ही है कि प्राइम काम यो है कि जब मैं किसी प्राइम काम में लगा हूँ और मेरी वो चॉइस है तो मैं सामने वाले के साथ अपनी चॉइस रखता हूँ, किसी के घर से लड़की उठा के तो आदमी नहीं ले आएगा ना, और यहाँ आने के बाद भी उसको अपने विकास का पूरा अवसर उपलब्ध है। तो मेरे को लगता है कि एक बार कंटेंट को जब अपन खुले मन से सुन के समझ पाएंगे तो इन बातों के वो मीनिंग समझ पाएंगे जो उसके जिस अर्थ में ये बातें कही जा रही हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, किसी के विकास को रोकना या किसी को दबाना जब इतनी सारी बातें कही जा रही हैं फिर तो वो उसकी कल्पना भी संभव नहीं है, है? तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा और गहराई पकड़ने की जरूरत है। और तीसरा एक जो शिक्षा का इशू पिछले सेशन में आया था, क्योंकि मैं 20 साल से शिक्षा में जुड़ा हूँ, हम जब कहते हैं कि बच्चों को उनके मन का करने देना चाहिए, अभी मन का करने की जो छोटी सी समस्या है वो ये कि एक तो एक्सपोजर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक्सपोजर नहीं पकड़ा, रुक जाओ। देखो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि बच्चों को अपने मन की करना देना चाहिए, वही कह रहा हूँ जो कुछ कहा जा रहा है लेकिन उसके साथ कुछ और भी कहा जा रहा है, तो आधा पार्ट सुनने में आया और आधा नहीं आने से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो ये कहा जा रहा है। अभी मैंने जस्ट अभी कहा
कि अनुभव की रोशनी में, ज्ञान की रोशनी में उसका मतलब है कि संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, उसकी रोशनी में हर क्षण ये बनाए रखना कि क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। ये मुद्दा कई बार बच्चों के साथ में आया कि हम जो है पितामानी वाला मॉडल थे, आप मनमानी वाला मॉडल थे। यदि हमारी मनमानी नेचर के साथ में अलाइन नहीं होगी तो वो कहीं नहीं पहुंचेगी, इसको ये ऐसा कई बार चर्चा में आया। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि अपनी मनमानी करो, ये कहा जा रहा है कि अपने मन को जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है, जो प्रकृति में सच्चाई है, तो कल्पनाशीलता को प्राकृतिक सच्चाई में ट्रांसफॉर्म होना है, फिर मन जो कहता है उसमें परिवार की सहमति होना है, धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ना है। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है जैसा आप सोच रहे। हाँ जी, और बोले भैया कुछ ऑब्जर्वेशंस है। हाँ। अभी मैं फ्री हुई उन चीजों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो उपयोगिता को लेके मेरा बहुत सारे भ्रम थे। तो एक चीज मुझे कंप्लेन रहती थी मम्मी से कि आप ही क्यों करते हो, और आपने झेला है पूरी लाइफ, फिर हमें भी आप उसी चीज में सोशल अग्रीमेंट में कर रहे हो, उनको जो चीज समझ में आई वही कर रहे। तो एक चीज मुझे दिखी, आप उसी को ही उपयोग करोगे जिसका कुछ यूजफुलनेस हो, यूजलेस जो आपको लगेगा या जिससे आपको काम नहीं निकलेगा, आप उनको कभी बोलोगे भी नहीं। तो एक बचपन से मैंने एग्जाम्पल सुना है कि जिस वो पेड़ पे सबसे ज्यादा फल होते हैं वही हैवी होता है, मतलब नीचे की तरफ झुका होता है और सब उस पे ही निर्भर होते हैं। तो वहां पे वो दिखा के पापा वो चीजें नहीं कर सकते, मतलब उनके है ही नहीं वो नेचर में, लेकिन वहां से उनको छोटा नहीं बनाया। फिर उसी मोमेंट पे एक कनेक्शन आया, जैसे हम बोलते हैं चंदा मामा और सूरज चाचा, तो चांद को हमेशा वो मैटरनल साइड दिखाए कि वो आराम देता है। तो मामा के साथ जब मैं होती हूँ तो मेरी एनर्जी रिवाइटलाइज हो जाती है, लेकिन पापा के होने की वजह से डिसिप्लिन आया लाइफ में, मैं और क्या कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ, और कैसे बेटर हूँ। तो दोनों की आवश्यकता जरूरी है, वो चीज दिखी। और एक और दिखा चीज, जो सन्यासी होते हैं जनरली जो मेल होते हैं डिटैच होते हैं कंपैरेटिवली, वो छोड़ पाते हैं सब कुछ, फैमिली को भी पीछे, लेकिन जो माए होती है या बीवियां होती है, बेटियां होती है, वो ऐसा नहीं कर पाती। तो वो चीज मुझे दिखी कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको इतना वो इम्पोर्टेंट लगता है कि वो ऐसा नहीं कर पाते, जबकि उनको बहुत बार एहसास हो जाता है। बहुत सारे लोग चले भी गए दुनिया से जिनको पता था कि मुझे उस तरफ जाना है, लेकिन पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो नहीं गए। तो उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ी मेरे मन में। बहुत देखिए, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। एक और चीज आई इस सब के कंक्लूजन में कि मैं डिस्कनेक्टेड इसीलिए हूँ क्योंकि मैं एड्रेस ही गलत उस इंसान से पूछ रही हूँ जिसको खुद भी नहीं पता। तो उन्होंने जितना एक्सपीरियंस किया वही चीजें बोली। तो एक बार वो जो चीज है मुझे मेरा पता मिल जाएगा तो वो जो अल्टीमेट कनेक्शन है वो मिल जाएगा। तो मुझे ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ या नहीं जाना चाहती, वो ऑटोमेटिकली रास्ता खुद ब खुद बनेगा। तो वहां से एक आश्वासन आया, पता नहीं यहाँ से होगा कि नहीं, आई एम वेरी ओपन टू इट, बट वो चीज एक क्लियर हुई और मम्मी के लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ी। क्या बात, मम्मी को बेटी मिल गई, गुड। आपको माँ मिल गई। सर एक छोटी सी बात, आज के सेशन से मैं अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा हूँ, उसकी उसको थोड़ा आपसे शेयर करना चाहता हूँ जी। सर हमारी शादी को आज 42 साल करीबन हो रहे हैं। यह पहली बार मैं शादी से पहले थोड़ा सा उदंड था, मनमानी करता था और जो चाहता था उसके लिए बहुत जुनून था मुझे, और मैंने जीवन में उसमें बहुत सी सफलताएं भी पाई जिसे मैं सफलता समझता था। जैसे आपने बताया कि माँ जब लड़की जब माँ बनती है तो सर जो मातृत्व है, आप सर बोल रहे हो, मेरे को थोड़ा भारी लग रहा है भैया। स्वामी भैया मातृत्व की जो जैसे आपने बात की, तो जो लड़की के अंदर मातृत्व जो है वो बायोलॉजिकल जो आपने बात कही, और मैं इस चीज को आज कनेक्ट भी कर पा रहा हूँ कि जिस दिन विजय माँ बनी उस दिन एक्चुअली मुझे महसूस होता है उसने दो व्यक्तियों को जन्म दिया, एक माँ को जन्म दिया और एक बाप को जन्म दिया। तो एक उन्होंने पुत्र को जन्म दिया
और एक बाप को जन्म दिया। और सर मैं इसको इस तरह से भी कनेक्ट कर पाता हूँ कि मैं इतने सालों की जब यात्रा को वापस से फ्लैशबैक में जाता हूँ तो महसूस करता हूँ कि उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति और तृप्ति में हमेशा ये पाता हूँ कि वो सिर्फ संतानों की खुशी और उनके लालन पाषण पोषण में ही वो पा रही है। इसके साथ मैं सर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहता हूँ कि मैं जब भी बापत्व से भटका हूँ तो वो भी मुझे बार बार बाप होने का एहसास, मतलब एक बार मुझे खाली बाप का जन्म दिया वो नहीं, लेकिन उसके बाद भी जब जब मैं बापत्व से हटता हूँ तो फिर वापस वो मुझे उसी पथ पर वापस खींच के लाती है। तो ये सब थोड़ी सी शेयरिंग थी आपके साथ। देखिए ये जो शेयरिंग है ना, अभी जैसे महिलाओं के काम को कैसे इवेल्यूएट किया, तो बोले बर्तन मांजते हैं तो 1000 रुपये में बन जाएंगे, खाना बनाते हो तो 5000 में हो जाएगा, तो कुल मिला के महिला के घर चलाने की कीमत 20000 रुपये महीना है। तो 20000 रुपये महीना, तो इसका मतलब है कि आपकी एक गाड़ी यदि आप किसी इंस्टीट्यूशन में उस पर लगाते हो किराए पर, तो आजकल वो ड्राइवर सहित गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 25000 रुपये महीने पर गाड़ी लगती है। अरुण भाई बेहतर बता सकते हैं कैसा ठीक है रेट, ड्राइवर सहित गाड़ी 25000 रुपये महीना में किराए पे मिलती है, डीजल पेट्रोल सब आपका है, ड्राइवर सहित गाड़ी उपलब्ध हो गई है। तो इससे एक आदमी को लगता है यार मेरी कुल कीमत यार एक कार जैसी भी नहीं है। तो ये जिस तरह का आकलन करने का हमारा तरीका है, हर चीज का आकलन हम मॉनेटरी पैसे से किस साथ में कर रहे हैं, तो वो ऐसा कोई उसका धरातल ही नहीं है, उसकी कोई उससे उसमें कोई मतलब हो ही नहीं सकता है। तो जब जैसे इन्होंने अभी कहा कि उसका आकलन अब मुझको होता है, तो सही अर्थों में एक व्यक्ति का, जैसे यदि मैं कहूं कि एक व्यक्ति के मानव बनने के क्रम में जो उसको योगदान मिला है उसका क्या आकलन वो कर सकता है। आज मेरे गुरु से, मेरे को आदरणीय नागराज जी से जो हमको जिंदगी भर में मिला, मैं उसका आकलन कैसे करूं। मेरी पत्नी से जो जिंदगी भर में मुझको संभालने की स्थिति बनी, हर एक की जिंदगी में है, कोई आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं है, सभी पत्नियां अपने पति को कभी बच्चे की तरह संभालती हैं। पति पत्नी वो संबंध है जहां सारे संबंध निभ जाते हैं, कभी दोनों दोस्त होते हैं, कभी दोनों पति पत्नी होते हैं, कभी दोनों भाई बहन होते हैं, कभी दोनों माँ बेटा होते हैं, कभी दोनों बाप बेटी होते हैं। भावों की दुनिया देखेंगे तो पति पत्नी में वो सारे संबंध को हम जी लेते हैं। ये जो संबंध में जीने की बात है और ये जो बच्चों को संभालने की बात है, इसको पैसों से नहीं तोला जा सकता। इसलिए गृहिणी का भी ये प्रॉब्लम है क्योंकि वो अपने आप को मानव के रूप में नहीं पहचानती है। इसलिए जो लोग जॉब नहीं करते हैं वो उनके अपने 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 इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं, हम तो बस घर में हैं। हाँ, उनको इस बात की निराशा है कि हम घर में हैं और हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो बड़ा काम कर रहे हैं। अब जो जॉब कर रहे हैं उनसे पूछो तो कुछ समय तक ईगो रहता है, किस समय के बाद पता चलता है कि कोई खास बात नहीं है तो भी नॉर्मल हुए रहते हैं। हाँ और क्या, लेकिन ये बात समझ में आई कि दोनों ही स्थितियों में जब तक वो अपने भीतर मानव का जर्नी शुरू नहीं, हम अपने बच्चों की यदि जीने के पार्ट में सहयोग नहीं देते हैं तो हमको अपने मानव होने की तृप्ति नहीं है। एक पति अपने पति के सहयोग में, एक पति अपने पति के लिए उसके जीने के अर्थ में सहयोग नहीं देती है तो उसको भी तृप्ति नहीं है। एक पति अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए जीने के अर्थ में सहयोग नहीं देता है तो उसको तृप्ति नहीं है। बिना जिए बिना जियाए तृप्ति नहीं है, बाकी खाना पीना। ये दरवाजा खुले बिना वो है ही नहीं। किसी किसी को उसकी अपनी जर्नी की वजह से उसका ध्यान इधर चले जा रहा है, वो अपने में कुछ कर रहा है। इस दर्शन की रोशनी में ये हो गया है कि जिस काम को हम अननोइंगली कर रहे थे, जिस काम को हम शायद इनडायरेक्ट वे में कर रहे थे, कभी हमको लगता है कि सेवा करके अपनी चेतना विकसित हो जाएगी, होती भी है, लेकिन अब शायद उसको हम ज्यादा डायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से यदि ऑब्जेक्टिवली मकान बनाया जा सकता है, उतने ही योजनाबद्ध तरीके से जिंदगी को भी बनाया जा सकता है। तो ज्यादा ये डायरेक्ट मेथड हो गया। हाँ जी भैया जी। हाँ जी, मेरे समझ में दो चीज आई आज का जो डिस्कशन हुआ है उसमें। एक तो यह आई कि प्रकृति के साथ पारस्परिक के संबंधों को समझने और स्वयं की उपयोगिता स्थापित करने में ही सुख है और यही सुख जीना है। बस।
दूसरी बात ये समझ में आई कि प्रत्येक समस्या का हल है, वो हल प्रकृति में है और केवल प्रकृति में ही है और उस समस्या के कहीं आसपास में ही है। और समझदार मानव प्रकृति का अभिन्न अंग हो गया। हम सभी मानव प्रकृति का अंग हैं लेकिन बायोलॉजिकल। समझदार मानव प्रकृति का पूर्ण रूपेण अंग हो गया क्योंकि वो बायोलॉजिकली भी हो गया और एग्जिस्टेंस के साथ हार्मनी में भी हो गया, इसलिए वो प्रकृति का, इसलिए उसका सूत्र है जो आप कह रहे हैं, समस्या है तो समाधान है ही, क्योंकि नेचर में कोई समस्या नहीं, समस्या है तो समाधान है ही। हाँ जी, एक छोटा सा शेयरिंग करना था, ब्रेक की बात आई थी तो मैं भूल जाता हूँ, कर दो। हाँ जी, बस आप बोल दीजिए। ठीक है, तो जैसे भैया ने बोला कि अपने इंडियन कल्चर में या थोड़ा सा शादी का ऐसा है कि मेल डोमिनेंट है, उसमें थोड़ा सा शादी के बाद ऐसा होता है कि आजकल तो लोग बोलने लगे हैं, बोले बोलने की बात रह गई है, मेल डोमिनेंट है, कहाँ मेल डोमिनेंट, इस दर्द को आप कब समझो। बोलिए। तो मुझे भी पहले ऐसा लगता था, पिछले लॉकडाउन का टाइम जैसे आपने बोला कि कुछ लोगों के लिए जिंदा रहने काम आया, हम लोगों के जीने के काम में आ गया, हम लोगों ने शिविर का थोड़ा अध्ययन किया, अध्ययन शिविर चेक किया, पर ये ब्रेक्सिट तो बोला कि ऐसा परिवार का कोई मॉडल नहीं है, पर जब हम लोग राजकोट गए, राजकोट के ये फैमिलीज देखे, उनके साथ शिविर किया और जब उनके साथ जिए ना, तो इतना बड़ा चेंजेस आया है। हाँ। और हमारी उपयोगिता क्या हो सकती है, मैं एक इंजीनियर हूँ, एक कंपनी संभाल रहा हूँ, मेरे नीचे 700 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं घर पे क्यों कोई छोटा काम करूँगा। पर जब शिविर करके आए और उसके बाद हर एक संडे को हम लोग बच्चों के साथ पूरा दिन निकालते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, हम छोटे काम में यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद बच्चे इतने इन्वॉल्व हो गए कि अभी शायद आप ही बोल दोगे कि पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डाला, डीजल की गाड़ी में डीजल डाला, वो हमारे बच्चे आजकल घर पर भी बोलते हैं। और कल जब से आया तो बच्चों ने बोला कि हम लोगों को भी सोम भाई से मिलना है, मैंने बोला ठीक है मिल लेंगे। पर ये इतना बड़ा परिवर्तन आया घर में कि मैं खुद मानता हूँ कि मैं अपने आप को ऐसा समझता था कि वाइफ इतनी पढ़ी लिखी नहीं है तो उसमें क्या उनका रोल होगा, पर अभी उनको भी ऐसा लगता है कि मेरा भी रोल है, उनका भी रोल है, एक दूसरे की उपयोगिता पूरकता सब हो गई। और आज छोटा भाई भी है, गवर्नमेंट का ऑफिसर है, फिर भी उसको भी लगता है कि नहीं इसकी इसमें तो बहुत बड़ा चेंजेस है। तो आचरण में जो चेंज आया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो परिवार के अंदर चेंजेस आए हैं वो सामने दिख रहा है। चलिए, विशेष होने के लिए हम सब ने बहुत मेहनत की है, नॉर्मल हो जाए तो आराम में आ जाए, जो नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल है। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।